नमस्कार छात्रों, कैसे हो? बढ़िया ही होंगे, घर पर रहते हो तो छात्रों, गीतांजलि परिवार में आज फिर से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। छात्रों, मेरा नाम है वाघेला पायल और आज हमें जिस टॉपिक की चर्चा करनी है वो है विषय हिंदी का कहानी लेखन। छात्रों, हमने आगे के टास्क में जो भी एक कम पढ़े उसके बारे में अच्छी तरह से आपको समझ में आ चुका होगा और जो वीडियो है वो आप बारंबार देखना। अगर कुछ न समझ में आए तो आप जब 16 तारीख को अपना पेपर स्कूल पर देने को आए तो साथ ही साथ आप भी आना, तो आमने सामने बैठकर मैं आपको अच्छी तरह से समझा दूंगी। कुछ न समझ में आए ऐसे टॉपिक आप अपने एक पाठ्य पुस्तक में या फिर किसी बुक में लिख लेना जो आपको न समझ में आए वो। तो छात्रों, जो भाषा के जो विषय होते हैं जैसे कि हिंदी, गुजराती, तो उसमें व्याकरण आता है, लेखन विभाग में कहानी लेखन, निबंध लेखन, सुलेखन, जैसे कई सारे लेखन विभाग में टॉपिक आते हैं। तो छात्रों, आज हम उसमें से कहानी लेखन के बारे में चर्चा करेंगे। हमने आगे की क्लास में संज्ञा के बारे में भी अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त की थी, तो उसमें भी आपको कुछ प्रश्न नहीं होगा। अगर कुछ न समझ में आए तो वीडियो बारंबार देखना तो आपको सब कुछ समझ में आ सके। छात्रों, यहाँ आज हमें जो कहानी लेखन के बारे में चर्चा करनी है, तो छात्रों आज का जो टॉपिक है कहानी लेखन, वो तो आप सबको बहुत ही अच्छा लगेगा क्योंकि कहानी सुनना सभी को अच्छा लगता है और वैसे भी आप सब तो अच्छे अच्छे बच्चे हों तो आपको कहानी सुनना वैसे भी बहुत ही अच्छा लगता होगा। तो छात्रों, जब हम नाराज़ होते हैं तो हमारे जो दादा होते हैं, हमारी मम्मी, फिर दादी जो हमें कहानियाँ सुनाती हैं, रात को परियों की कहानी सुनाती हैं, सुनने के बाद हमें नींद आ जाती है और वैसी कहानियाँ सुनना भी हमें बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे कि हम कहानी सुनते हैं तो जैसे हम ही उस दुनिया में चले जाते हैं ऐसा लगता है, लेकिन हकीकत में तो हम घर पर ही होते हैं, लेकिन हमारे जो अंदर के जो विचार है वो हमें उस कहानी के अंदर ले जाते हैं। हम कहानी को अच्छी तरह से समझेंगे तभी तो हम उस कहानी की दुनिया में चले जाएंगे। छात्रों, उसी तरह आज हमें कहानी के बारे में चर्चा करनी है जो आप सबको बहुत ही अच्छी लगेगी। बच्चों को कहानी सुनना बहुत ही अच्छा लगता है। परियों की कहानी, पशु पक्षियों की कहानी, भूत प्रेतों की कहानी आदि सुनकर वे कल्पना लोक में खो जाते हैं। क्या कहते हैं, यहाँ पर लिखा है कि बच्चों को कहानी सुनना बहुत ही अच्छा लगता है। परियों की कहानी, पशु पक्षियों की कहानी, परियों की कहानी के बारे में कहे तो परियों की कहानी सुनना तो सबको बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे परियों की कहानी हम सुनेंगे, हमारी कोई मम्मी, हमारे माँ दादी या फिर दादा हमें परियों की कहानी सुनाएंगे तो हम ही खुद परी बन जाते हैं, उसी तरह परियों की कहानी में हम खो जाते हैं। इसी पशु पक्षियों की कहानी, पशु पक्षियों की कहानी भी बहुत ही बढ़िया दिलचस्प होती है। और भूत प्रेतों की कहानी, भूत प्रेतों के तो कई सारे ऐसे मूवी भी होते हैं, हॉरर मूवी, तो वो आप देखोगे तो भी आपको बहुत ही मज़ा आएगा। थोड़ी थोड़ी डरावनी तो होती है लेकिन थोड़ी मज़ा भी आती है क्योंकि डरना भी अलग मज़ा है। भूत प्रेतों की कहानी आदि सुनकर वे कल्पना लोक में खो जाते हैं। हम कोई भी कहानी सुने तो हम कल्पना लोक में चले जाते हैं, यानी कि हम भूत प्रेतों की कहानी सुनेंगे तो हमें ऐसी कल्पना यानी हमारे अंदर कैसा विचार जो हमें वहाँ पर ले जाता है। हकीकत में हमने कहानी सुनी हो भूत प्रेतों की तो जब हम अकेले कहीं पर बैठे होंगे तो हमें डर लगेगा, हमें लगेगा कि हमारे पास भूत आया, लेकिन हकीकत में वो क्या था, कल्पना थी, हमारे मन की कल्पना। और उसी प्रकार जो कहानियाँ होती हैं वो उसे सुनकर हम कल्पना लोक में खो जाते हैं, उनके अंदर एक रचना शक्ति पैदा होती है, उनके अंदर एक रचना शक्ति पैदा होने लगती है। यदि उपयुक्त माहौल मिला तो वे भी कहानियाँ लिखने लग जाते हैं। अगर हम भी कहानियाँ अच्छी तरह से सुने, हमें सब कुछ अच्छी तरह से आए,
तो हम भी कहानी लिख सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर ऐसी विचार शक्ति होनी चाहिए, कल्पना शक्ति होनी चाहिए जिसके आधार पर हम कहानी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि यदि उपर्युक्त हमारे अंदर जो एक रचना शक्ति पैदा हो तो हम भी कहानी लिख सकते हैं। यहाँ लिखा है कि यदि उपर्युक्त माहौल मिला तो वे भी कहानियाँ लिखने लग जाते हैं, यानी कि हम भी कहानियाँ लिख सकते हैं। कहानी लेखन भी एक कला है। कहानी लेखन क्या है? एक कला है छात्रों। कहानी लिखना भी एक बहुत बड़ी कला है, जैसे कि चित्रकला, ऐसी कई सारी कलाएं होती हैं, उसमें लिखने की कला भी एक महत्वपूर्ण होती है। इसमें जीवन की किसी महत्वपूर्ण घटना या संवेदना की आकर्षक अभिव्यक्ति होती है। इसमें जीवन की किसी महत्वपूर्ण घटना या संवेदना की आकर्षक अभिव्यक्ति होती है। जो कुछ घटना घटी हो उसके आधार पर ही कहानी बन जाती है। कोई पहले की ऐसी कोई घटना हो जिसके आधार पर कहानी की रचना होती है। कुछ किसी ने देखा, मैंने ही कुछ ऐसी घटना देखी तो मुझे और मेरे में ऐसी लेखन शक्ति भी हो तो मैं कहानी लिख सकती हूँ। तो इसके कारण हमें किसी महत्वपूर्ण घटना यानी कि कुछ अच्छी जिससे कुछ महत्व मिल सके, महत्व दिया जाए, ऐसी कोई घटना हो या फिर संवेदना यानी कि लागणी जो जिससे हमें दुख हो सके, प्रेम हो सके, ऐसी संवेदना को ऐसी आकर्षक अभिव्यक्ति होती है। ऐसी कहानियाँ जो होती है उसमें अगर हम प्रेम, संवेदना, लागणी, दुख, वो वैसी कहानियाँ लिखेंगे तो वो कैसी कहानियाँ लगेगी? आकर्षक, सभी को पढ़ने में अच्छी लगेगी, ऐसी कहानियाँ होती है। अगर हम में ऐसी कला शक्ति होती तो हम भी कहानियाँ लिख सकते हैं। कहानी लेखन के लिए निरंतर अभ्यास व परिश्रम की जरूरत होती है। हमें अगर कहानी लिखनी हो तो हमारे अंदर निरंतर अभ्यास और परिश्रम की जरूरत होती है। हम कहानी लिखें तो हमारे अंदर ऐसे निरंतर अभ्यास करने की और परिश्रम, कहानी लिखेंगे तो निरंतर अभ्यास भी करना पड़ेगा और साथ ही साथ कई सारा परिश्रम यानी बहुत बड़ा काम भी हमें करना पड़ेगा, तभी हम कहानी लिख पाएंगे। कहानी लेखन में निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। हम जब कहानी लिखेंगे तो कुछ ऐसे नियम हैं जो हमें उसका पालन करना है। तो छात्रों, अब हम कहानी लेखन के जो कई कुछ मुद्दे हैं, कुछ बातें हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर पहला नियम है, दिए गए शीर्षक, संकेत आदि को ध्यान से समझ लेना चाहिए। हमें जो भी शीर्षक दिया गया हो उसको, उसका संकेत आदि को ध्यान से समझ लेना चाहिए। हमें कोई कहानी दी गई हो लेकिन सिर्फ शीर्षक दिया हो और कुछ तो हमें उसके आधार पर से हमें कहानी लिखनी है, कुछ उसका जो टॉपिक है यानी कि शीर्षक, जैसे कि कोई कहानी हो परिश्रम का फल, तो परिश्रम का फल हमें दिया हो और उसके कुछ मुद्दे दिए हो तो उसके आधार पर हम कहानी लिख सकते हैं। लेकिन हमारे अंदर ऐसी विचार शक्ति होनी चाहिए, तभी हम अच्छी तरह से कहानी लिख सकेंगे। तो यहाँ पर लिखा है कि दिए गए शीर्षक आदि को ध्यान से समझ लेना चाहिए। तो हमें शीर्षक दिया गया हो तो उसको हम ध्यान से समझ लेंगे और उसके आधार पर ही कहानी लिखने की शुरुआत करेंगे। तो दूसरा जो नियम है, कहानी की भाषा सरल, सुबोध व प्रसंगानुकूल होनी चाहिए। कहानी की जो भाषा है वो सरल होनी चाहिए, यानी कि जो पढ़े उसे समझ में आनी चाहिए, और सुबोध जिसमें कुछ बोध मिल सके, ऐसी कहानियाँ होनी चाहिए और प्रसंगानुकूल होनी चाहिए। तो जिस कोई प्रसंग के आधार पर ही कहानी लिखी जाती है, वैसे तो ऐसी वैसी कहानियाँ तो होती नहीं, लेकिन कोई प्रसंग हो जिसके आधार पर ही कहानी लिखी जाती है तो कहानी की जो भाषा है, जब हम कहानी लिखेंगे तो कहानी की भाषा सरल और उससे कुछ बोध मिल सके ऐसी, और कुछ ऐसी प्रसंग हो, घटना हो जिसके आधार पर ही कहानी लिखी जा सकती है। तो अब आगे क्या नियम है, तीसरा, उसके अनुसार
एक रूपरेखा तैयार कर लेनी चाहिए। हमें पहले से एक रूपरेखा तैयार करनी चाहिए, तभी हम कहानी अच्छी तरह से लिख सकेंगे। चौथा नियम है कहानी के रोचक आरंभ व मर्मस्पर्शी अंत पर विचार करना चाहिए। कहानी का जो आरंभ है यानी कि कहानी की जो शुरुआत, वो बहुत ही बढ़िया तरीके से होनी चाहिए। तभी जब जो कोई भी पढ़ेगा तो अच्छी शुरुआत में ही, आरंभ में ही अगर पढ़ने वाले को दिलचस्पी उसमें जगी तो जो पढ़ेगा वो पूरी कहानी अंत तक पढ़ेगा। लेकिन हम शुरुआत से ही बकवास लगेंगे कहानी, तो हम अंत तक नहीं पहुँचेंगे। हमें लगेगा कि ये तो बोरिंग कहानी है, इसमें देखने की कोई, इसे पढ़ने की कोई मन में इच्छा ही नहीं होती। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि कहानी का जो आरंभ है वो रोचक और मर्मस्पर्शी, जिससे हमें अच्छी लगे, ऐसी कहानी होनी चाहिए। पढ़ने वाले को उसमें दिलचस्पी जगे, ऐसी कहानी का आरंभ करना चाहिए। पांचवा नियम है कहानी की भाषा प्राय भूतकालिक होनी चाहिए। जो कहानी की जो भाषा है वो कैसी होनी चाहिए? भूतकालिक होनी चाहिए, यानी कि जो कहानी पढ़े, कहानी जो हो लिखी जाए वो कहानी पहले के समय की होती है। कहानी कभी भविष्य काल की या फिर वर्तमान काल की नहीं होती, वो तो सिर्फ भूतकाल की ही कहानियाँ होती हैं। कोई भी कहानी आप देखोगे तो उसमें ऐसा ही लिखा होगा कि एक लड़का था, एक लड़की थी ही लिखा होगा, क्योंकि वो कहानी जो है वो कैसे है, भूतकाल की है, यानी कि जो घटना घट चुकी है ऐसी घटना की यह कहानी बनाई गई है। तो कहानी जो होती है उसकी भाषा हमेशा भूतकालीन ही होती है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि कहानी हम लिखें तो उसमें हम इस तरह के कुछ शब्द हो वो भूतकालीन तरीके से ही उपयोग करें। तो कहानी की भाषा प्राय भूतकालीन होती है। और छठवां नियम है कहानी की घटना व पात्रों की रूपरेखा बना लेनी चाहिए। कहानी की जो घटना है और पात्रों की अच्छी तरह से उसकी रूपरेखा हमें पहले से ही तैयार कर लेनी चाहिए कि हमें कैसे कैसे पात्र रखेंगे, और जो घटना है वो घटना भी हमें पहले तो देखनी ही पड़ेगी, तभी तो हम कहानी लिख सकेंगे। वरना ऐसे वैसे थोड़ी ना कोई कहानी लिख सकता है, नहीं लिख सकता। तो हमें इसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए। कहानी में विचार व वाक्यों की आवृत्ति नहीं होनी चाहिए। कहानी में कोई विचार या वाक्यों की आवृत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या होना चाहिए, अच्छी तरह से रोचक तरीके से कहानी लिखी हो तो पढ़ने वाले को उसमें आनंद आ सके और उस वो कहानी अंत तक पढ़ सके। छात्रों, एक मैं कहानी आपको सुनाती हूँ। कहानी ग्वाला की है। ग्वाला यानी गाय भैंस चराने वाला होता है, उसे क्या कहा जाता है? ग्वाला कहा जाता है। छात्रों, आज हम ग्वाला की कहानी यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि किसी गांव में राम प्रसाद नाम का एक ग्वाला रहता है। मैं यहाँ पर जो कहानी लिखी है वो आप अपनी नोंद पोथी में लिख लेना, जिसके आधार पर आपको कहानी हम आपने अभी सिर्फ पाठ्य पुस्तक ही लिया होगा। इसके कारण अगर एग्ज़ाम में, परीक्षा में आपको कोई कहानी पूछी जाए, अभी हमारे कुछ दिनों में एकम कसौटी है, तो आपको अगर कहानी लेखन पूछा जाए तो आपको कहानी आती होनी चाहिए। तो किसी गांव में राम प्रसाद नाम का एक ग्वाला रहता था। क्या रहता था? ग्वाला रहता था, यानी कि जो गाय भैंस चराने वाला जो होता है उसे क्या कहा जाता है? ग्वाला। वह दूध बेचा करता था और वह बेईमान था। दूध बेचने का उसका धंधा था, जिसके पास कई सारे गाय भैंसे थी, तो इसके आधार पर उसके पास कई सारा दूध आता, तो वो दूध लेकर बेचने जाता। लेकिन किस तरह से बेचता? बेईमानी करके। वह दूध में पानी मिलाया करता, दूध में वह पानी मिला देता, जितना दूध हो उसके उस जितना आधा दूध लेता और आधा पानी, जितना दूध लिया हो उतना ही वह पानी मिला देता। उसे
वह दूध में पानी मिलाया करता और वो बेईमानी करके दूध का धंधा करता था। उसे कई लोगों ने समझाया कि बेईमानी अच्छी नहीं होती। उसे कई सारे ऐसे लोगों ने कहा कि बेईमानी करना अच्छी बात नहीं है, तो हमें अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि बेईमानी नहीं करनी चाहिए। लेकिन यह जो ग्वाला था उसने कई सारे लोगों ने उसे कहा कि बेईमानी करना अच्छी बात नहीं, बुरी आदत है। लेकिन उसे तो उसमें से पैसे मिलते थे, कुछ थोड़ा दूध ही था उसके पास, फिर भी उसे दो गुने पैसे मिलते थे, क्योंकि आधा दूध और आधा पानी उसमें मिला देता, यानी कि दूध जो था वो डबल हो जाता, इसके आधार पर उसको डबल पैसे मिलते। लेकिन जो बेईमानी करता है वो अंत में उसे सजा जरूर मिलती है। तो बेईमानी अच्छी नहीं होती। मगर उसने किसी की भी बात न सुनी, मगर वो था कि किसी की बात भी न सुनता, उसी प्रकार दूध में पानी मिलाया रहता। वो उसे कई सारे लोगों ने कहा कि बेईमानी करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन यह जो ग्वाला था वो समझने वालों में से नहीं था, और दूध में वो उसी तरह जिस तरह वो पानी मिलाता रहता उसी प्रकार वो पानी मिलाता रहता। एक दिन वह शहर से दूध बेचकर लौट रहा था। एक दिन जब वो दूध बेचने के लिए शहर गया था और दूध बेचकर वो वापस लौट रहा था, तो उसकी थैली पैसों से भरी थी। रास्ते में एक नदी पड़ती थी। वो जब दूध बेचने के लिए शहर गया था तो वहाँ से वो जब वापस आया तो उसकी थैली पैसों से भरी थी। किससे भरी थी? पैसों से, क्योंकि वो तो दूध बेचने के लिए गया था, तो वहाँ पर जब दूध बिक गया तो उसकी थैली में बहुत सारे पैसे भी जमा हो चुके थे। रास्ते में एक नदी पड़ती थी, उसमें मन ही मन विचार किया, आज बहुत गर्मी है, चलो नदी में एक डुबकी लगा लेता हूँ। ये जो वाला था वो बहुत ही, वो तो शहर से वापस आया था दूध बेचकर, तो बहुत ही गर्मी की मौसम थी, तो उसे बहुत ही गर्मी हो रही थी। तो उसने सोचा कि रास्ते में ऐसी इतनी अच्छी सी नदी बह रही है, तो चलो ना एक डुबकी मैं भी मार लूँ, थोड़ी ठंडक भी मिल जाएगी और गर्मी से राहत भी हो जाएगी। आज बहुत गर्मी है, चलो नदी में एक डुबकी लगा लेता हूँ। उसने अपने कपड़े उतारे और रुपयों की थैली कपड़ों में ही छिपा कर रख दी और नदी में स्नान करने लगा। वो जो ग्वाला था उसने अपने जो पैसे थे, पैसे की जो थैली थी वो अपने कपड़े में छुपा दी, और वो तो अपने कपड़े वहाँ पर रख कर उस वो पैसों की थैली को उस कपड़े के अंदर छिपा कर वो तो नहाने के लिए नदी में डुबकी लगा देता है। नदी के किनारे एक वृक्ष पर एक बंदर रहता था। वो नदी जो थी वहाँ पर किनारे एक बंदर रहता था। आप जानते हैं कि बंदर कितने बदमाश होते हैं, तो उसी प्रकार यह जो बंदर था वो बहुत ही बड़ा बदमाश था। तो वह नीचे उतरा और ग्वाले की रुपयों की थैली को उठाकर पुनः पेड़ पर चढ़ गया। वो जो बंदर था उसने क्या किया, वो जो ग्वाला था उसकी जो रुपयों की थैली थी जो उसने कपड़ों के बीच में छिपाई थी उसे उठा लेता है और पुनः पेड़ पर चढ़ जाता है। उसने एक एक रुपये को नीचे फेंकना शुरू किया। वो जो ग्वाला था उसने क्या, वो जो बंदर ग्वाला जो था वो तो बेचारा नदी में स्नान कर रहा था, वो तो बेफिक्र होकर, लेकिन यह जो बंदर था उसने तो वो रुपयों की थैली पकड़ ली और उठाकर वो तो झाड़ पर चढ़ जाता है। उसने एक एक रुपये को नीचे फेंकना शुरू किया। उसने क्या किया, एक एक रुपया लिया और एक एक नोट को फिर नदी में फेंकना शुरू करता है। वह एक रुपया नदी में फेंकता तथा दूसरा रेत पर, एक उसने कैसा वो कैसा करता है, एक रुपया नदी में फेंकता और दूसरा पैसा रेत पर फेंकता, यानी कि दो पैसे एक नदी में एक बाहर, एक नदी में एक बाहर, उसी तरह वो कई सारे पैसे उसने फेंक दिए। ग्वाले ने जब यह दृश्य देखा तो वह चिल्लाया। ग्वाले ने जब यह देखा वो तो अच्छी तरह से स्नान कर रहा था, डुबकी लगा रहा था, लेकिन जब उसने देखा तो एक बंदर था जो उसके जो पैसों की थैली थी उसमें से एक पैसा नदी पर डालता है और एक पैसा रेत पर डालता है, तो वह बहुत ही चिल्लाता है। लेकिन उसके चिल्लाने से कुछ तो होने वाला था नहीं,
क्योंकि बंदर तो बहुत ही बड़ा बदमाश था। और वैसे वो कहाँ पर बैठा था, पेड़ पर बैठा था। तो होता ऐसा है, बंदर किसी की सुनने वाला था नहीं। बंदर जो था वो तो किसी की बात सुनेगा नहीं, लेकिन उसने रेत पर पड़े रुपये उठाए, कपड़े पहने और रोता रोता घर पहुंच गया। जो बंदर था वो तो उसे तो ये कुछ कह भी नहीं सकता, लेकिन क्योंकि ये तो वो तो बिन बोलता कुछ नहीं तो सुनेगा भी कुछ नहीं, क्योंकि वो तो बंदर था। अगर कोई मनुष्य होता तो उसके साथ बहुत ही बड़ा झगड़ा करता कि तुमने मेरे पैसे ऐसे गिरा दिए, वैसे गिरा दिए, तुमने ऐसा किया ऐसा किया। लेकिन ये जो बंदर था उसे तो कुछ कह नहीं पाता, तो वो रोने लगता है, बहुत ही रोने लगता है। और जो रेत पर पैसे पड़े थे, जो नदी में पड़े थे, वो तो किसी काम के थे ही नहीं, वो उसे ला भी नहीं सकता। तो वो उसने क्या किया कि जो 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 पैसे पड़े थे जमीन पर, यानी कि रेत पर जो किनारे पड़े थे, उस पैसों को उठाता है और रोता रोता वह घर पर चला जाता है। और मन ही मन सोचता है, सोचने लगता है कि आधे पैसे जो नदी में गिर गए वे दूध के नहीं पानी के थे। वो उसे मन ही मन से ऐसा विचार आता है कि यह जो पैसे थे जो मैंने आधा पानी मिलाया था और आधा दूध था, तो जो दूध के पैसे हैं वो यहाँ पर रेत पे पड़े थे और जो पानी के थे वो पानी में गिर गए। इसके कारण मैंने जो यह बेईमानी की थी उसकी सज़ा आज मुझे मिली है। और वो मन ही मन पछताता है। तो इस कहानी में से हमें क्या बोध मिलता है? ईमानदारी की कमाई फलदायक होती है। ईमानदारी की कमाई हमेशा कैसी होती है? फलदायक। तो छात्रों, हमें क्या करना चाहिए? जब हम बड़े हो तो हमें भी कुछ ना कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। तो हम कोई भी कार्य करेंगे तो उसमें बेईमानी नहीं करेंगे। छात्रों, हम छोटे हैं तभी से अच्छी तरह से सीख बोध प्राप्त कर ले तो हम बड़े होंगे तो अच्छे ही बच्चे बने रहेंगे। तो छात्रों, हम जानते हैं कि हमारी कक्षा में, हम परीक्षा में, एग्जाम में कैसी कहानी पूछी जाती हैं, इस प्रकार के मुद्दे दिए होते हैं। देखो, इस प्रकार के मुद्दे दिए होते हैं जिसके आधार पर हमें कहानी लिखनी होती है। इस प्रकार से पढ़ाई में कमज़ोर लड़का, एक ही कक्षा में दो बार अनुत्तीर्ण होना, जंगल में आत्महत्या करने जाना, एक बंदर का बच्चा, पेड़ पर चढ़ने की कोशिश, बार बार गिरना, अंत में सफलता, बंदर के बच्चे से लड़के को प्रेरणा मिलना, घर लौटना, पढ़ाई में जुट जाना, अनुत्तीर्ण होना और सीख। छात्रों, आपको एग्जाम में इस प्रकार की कहानी पूछी जाती हैं जिसके आधार पर आपको कहानी लिखनी होती है। पहले आप क्या लिखोगे? इस तरह से सफलता की कुंजी, इसका जो टॉपिक है यानी कि शीर्षक, वो आप पहले लिखोगे और बाद में आप कहानी इस प्रकार से लिखोगे और अंत में उसका जो बोध है यानी कि सीख है वो इस प्रकार से लिखोगे कि परिश्रम करने पर सफलता अवश्य मिलती है, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। छात्रों, तो आपको मैं आशा रखती हूँ कि आपको एग्ज़ाम में कोई भी कहानी पूछी जाए, यह कहानी है वो भी आप लिख लेना। पूछ कर अगर लिखोगे स्टॉप कर तो आप ये कहानी लिख सकोगे। छात्रों, तो आज हमने कहानी के बारे में पहले जो भी माहिती प्राप्त की वो भी आप अच्छी तरह से समझ लेना, और यह जो दो कहानियाँ हैं वो भी आप अपनी नोंद पोथी में लिख लेना। अगर कुछ न समझ में आए तो आप 16 तारीख को स्कूल पर आना और मुझे खुद से बता देना। तो छात्रों, आज हम यहीं तक रखते हैं और आगे की चर्चा हम आगे के तास में करेंगे। तो छात्रों, तब तक घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित।